नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको सिखाने और बताने जा रहा हूँ कि आपके पास सीडी और डीवीडी में कुछ फाइल, फोटो, वीडियो पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि अपने नए लैपटॉप में भेजना या लगाना, तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो नया लैपटॉप आता है ना, उस लैपटॉप के अंदर सीडी और डीवीडी लगाने के लिए जगह नहीं दिया जाता। जैसे मैंने ये नया लैपटॉप लिया हुआ है, इसमें सीडी और डीवीडी लगाने का जगह नहीं दिया हुआ है। अब बहुत सारा फोटो फाइल पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे डीवीडी सीडी पड़े हुए हैं जो मुझे इसमें डालना है, तो क्या सिस्टम इसका है। तो देखिए, आपको बताता हूँ मैं। जैसे ये नया लैपटॉप के अंदर सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव नहीं आता, इसके अंदर नहीं लग सकता, लेकिन जो पुराने लैपटॉप आते थे उसके अंदर सीडी और डीवीडी लगाने का जगह दिया जाता है। जैसे डेल कंपनी का पुराना लैपटॉप मेरा है और उस पर देखिए बटन दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे हम सीडी और डीवीडी लगा सकते हैं। ये ठीक रहा ना, ये जैसे ये डीवीडी पड़ा हुआ है ये, तो देखिए ये डीवीडी और जो ये चमकीला वाला होता नीचे होता यहाँ लगा करके हम इसमें, तो हम क्या करेंगे अब, तो देखिए ये हमने कर लिया और हमने इसमें लगा दिया है। इसमें लगाने के बाद में अब ये जो फाइल हमें चाहिए तो हम अपने जो है पहले इस लैपटॉप में डाल लेंगे उस फाइल को, और उसके बाद जा करके हम पेन ड्राइव में लेकर के फिर उस लैपटॉप में डाल लेंगे। तो कैसे करते हैं आपको बताते हैं, वन स्टेप के पूरा वीडियो देखिए आप सीख लेंगे। तो हमने डीवीडी इसके अंदर डाल दिया है, अब इसमें हम पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं फिर आपको ले। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, तो देखेंगे, चलिए लेके चलते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सीडी और डीवीडी जो भी है आपके पास वो डाल दिया। डीवीडी मेनली हमारे पास है ये, आप खोल लेते हैं दिस पीसी। देखिए आपको डेस्कटॉप के ऊपर दिस पीसी दिखेगा, ये देखिए ये डेस्कटॉप पे दिस पीसी है ये, और दिस पीसी आने के बाद में इसको बड़ा कर लेते हैं। और देखिए ये सी ड्राइव कंप्यूटर का हो गया, डी ड्राइव हो गया। हमने जो डीवीडी लगाया हुआ ना, वो देखिए बता रहा है ये है हमारा ड्राइव, 2.676 जीबी का है ये फाइल इसके अंदर है। तो इसको हम खोल लेते हैं राइट क्लिक करके इसके अंदर। मान ली एग्जाम्पल के तौर पर लेना, कुछ फाइल मुझे चाहिए, तो ये आपका डीवीडी और सीडी जो है खुल जाएगा, और उसके अंदर जो फाइल आपकी पड़ी हुई, देखिए इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। इसमें एक फोल्डर है, मतलब कोई मान लीजिए मैं ये वाला फोल्डर को जो है अपने उस लैपटॉप में डालना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद सिंपल तरह इसको जो है हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हम देखिए कॉपी कर ली हमने इसके यहाँ से, और इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कन्फ्यूज़न ना हो, दिक्कत ना हो, हमने यहाँ पे फोल्डर बना दिया। मान लीजिए कि हमने के नाम से एक फोल्डर बना दिया, और के नाम फोल्डर के बनाने के बाद में इसको क्लिक करते हैं हमें, और यहाँ पर ला करके हम उस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। देखिए उठ के जो है फाइल यहाँ से निकल के, सीडी से निकल के हमारे इस लैपटॉप के डेस्कटॉप पे जा रहा है। अब इसी फाइल को हम लेंगे पेन ड्राइव में और अपने उस, देखिए ये हमारा कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमको निकालना है, तो ये यहाँ एक बटन दिया रहता है सिंपल तरीके से, देखिए इसको हम प्रेस कर देंगे यहाँ से, तो ये हल्का सा बाहर फेंकेगा, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ये बाहर निकले, हल्का निकला हुआ ये राइटर। और अब तो नए लैपटॉप में जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये पकड़ के ऐसे हल्का सा देखिए दबा के इसको ऐसे उठा दीजिए, तो ये आपका राइटर निकल, ये मतलब सीडी डीवीडी जो भी है आपके पास ये निकल गया। ये अब इसको बंद कर लेते हैं, अब यहाँ लगाते हैं पेन ड्राइव। अब इस पेन ड्राइव को लगाते हैं लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, अब उस फाइल को हम इसमें पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ लग गया पेन ड्राइव भी लग गया। अब ये फाइल जो के फोल्डर में बना रखा है ना, ये दिक्कत हमको हो तो हम सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक ऐसे कर देते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पे आके इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने, कॉपी कर लिया है, और यहाँ देखिए दिस पीसी खोलते हैं, हमारा के फोल्डर है ये, और देखिए पेन ड्राइव का दिख रहा है, यूएसबी ड्राइव लिख के आ रहा है, ये पेन ड्राइव लिख के आ रहा है यूएसबी ड्राइव। पेन ड्राइव लगाने के बाद में क्लिक करिए, और यहाँ ला करके इसको सिंपल ऐसे ला करके यहाँ पर किसी जगह इसको पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए हमने इसको ऐसे करके अब पेस्ट करिए, देखिए निकल के हमारे पेन ड्राइव में आ चुका है। ये देखिए के फोल्डर नाम से पेन ड्राइव में आ चुका है। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते, कोने से बंद करिए, और इसको पेन ड्राइव यहाँ दिया हुआ है, इस पेन ड्राइव को ऐसे आप निकाल लीजिए। पेन ड्राइव निकाल लिया, अब देखिए ये निकल के डेटा जो है ना, निकल के इस लैपटॉप से इस पेन ड्राइव के माध्यम से इसमें जा रहा है। अगर मैं चाहता इस पेन ड्राइव को लेके बॉम्बे चला जाऊँ, गोवा चले जाऊँ, बैंगलोर कहीं ले चलाऊँ, तो पेन ड्राइव में डेटा आ चुका है, अब लैपटॉप में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए देखिए इस लैपटॉप में जगह दिया हुआ है हमारे यूएसबी पोर्ट में, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, और उसके बाद जो हमारा लैपटॉप है ये, इस लैपटॉप में जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे खोल लेते हैं। आप ये दिख रहा है दिस पीसी, दिख रहा है ना दिस पीसी। अब उसको हम ऐसे यहाँ पे क्लिक कर दे, दो बार क्लिक कर देते हैं दिस पीसी पे, क्लिक किया, और पेन ड्राइव वाला ऑप्शन ये है यूएसबी वाला, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए अब जो हमारा फोल्डर के नाम से फोल्डर है ये, इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं सिंपल, और ये हमारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। विंडो 11 ने कॉपी कर लिया हमने, और कोने से बंद किया,
लाके हमने इसको ये कुछ खुला हुआ बंद कर देते हैं, ये लाके डेस्कटॉप पे हमने राइट क्लिक किया और लाके क्लिक करने के बाद देखिए पेज का ऑप्शन है ये वाले विंडो 11 में, इस पर क्लिक करके हम लाके पेज कर दिए तो ये उड़ के फाइल यहाँ पे के वाली फोल्डर जो है कहाँ गया भाई, के वाले तुम के वाला फोल्डर देखिए यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब उसके जो भी फाइल आप देख सकते हैं तो मतलब एग्जांपल दिखाया हूँ कि आप फोल्डर कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक लैपटॉप के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है डीवीडी और सीडी के अंदर, इसको निकाल के यहाँ से इसमें डालिए राइटर वाले में और पेनड्राइव में कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं। छोटा फाइल हो तो आदमी मेल कर सकता है इसके माध्यम से, लेकिन फाइल बड़ा हो अगर होगा तो फिर मेल नहीं करना रहा आपको, एक जगह से निकाल के दूसरे जगह निकाल कर डालना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए ये जो भी इतने लैपटॉप नए आ रहे हैं ना, कंपनियाँ दिन पर दिन लैपटॉप को कॉम्पैक्ट कर रही हैं, छोटा कर रही हैं। तो अब डीवीडी सीडी का ज़माना ख़त्म हो रहा है, क्योंकि देखिए एक समय के बाद डीवीडी और सीडी के अंदर ना स्क्रैच आ जाता था और ये मैक्सिमम 4 समथिंग जीबी का होता था। तो अब ये डीवीडी ख़त्म हो चुका है, अब जो पेनड्राइव आ चुके हैं ज़्यादा ये कैपेसिटी को होते हैं। देखिए ये पेनड्राइव जो है 64 GB का, सोचिए 64 GB का मात्र जो है ये मिला 400 रुपये का। अब ये सीडी एकदम बंद हो चुका है, इसलिए अब जब भी लैपटॉप ले रहे हैं आप है ना, तो दुकानदार से बात कर लीजिए या किसी कंप्यूटर वाले पर जा करके अपने डेटा को आप वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं सिंपल तरीके से। क्लियर है? हाँ ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने इस पुराने डीवीडी से डेटा को निकाल करके अपने नए लैपटॉप में डाल सकते हैं सिंपल तरीके से। पूरा वीडियो देखे होंगे, मुझे लगता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा और इससे कुछ सीखे हों वीडियो से, तो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना वैसी टेक्निकल चीज़ देखना चाहते हैं, उस वीडियो से कुछ सीखें तो उनको अच्छा लगे। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।